मार्स के बारे में कुछ नहीं पता अभी, कौन सा व्हीकल आया था, कौन सा जा गया, और टेस्टिंग के लिए जो भी है इसमें सैंपल निकाल कर भेजा जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से कोई रिजल्ट आएगा उसके बाद ही फिर। क्या कुछ सूचना आपको मिली थी सर? क्या कोई गाड़ी में कोई मार झाड़ गया कुछ डोथ रोड पे साइड में, तो उसके बारे में प्राइमरली देखने में क्या कुछ लग रहा है, किस तरह का मांस है? ये कुछ नहीं कह सकते अभी, किस चीज़ का बात है इसके बारे में नहीं कह सकते, पता नहीं किस चीज़ का मांस होगा। जय श्री राम जी। ये देखो हमारे पास अननोन नंबर से कोई फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा काम हो रहा है कि जो गलत लग रहा है। जैसे हमारे रमन सैनी भाई साहब, सुमित बजाज जी और हमारे जो और गोरक्षा प्रेमी थे, वो मौके पर पहुँचे तो यहाँ पे देखो व्हीकल तो कोई मिला नहीं, व्यक्ति पता लगा था, व्यक्ति भी दौड़ चुका था जिस टाइम तक पहुँचे। लेकिन देखने से तो व्यतीत होता है कि देखो गौ मांस ही है, बाकी तो लैब में जब रिपोर्टिंग आएगी तभी पता लगेगा। बाकी है कोई ना कोई, यहाँ पहले भी कोई ना कोई ऐसे हरकत कोई कर रहा होगा जिस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि साइड में बिल्कुल सेफली इसके अंदर जैसे बर्फ लगा रखा है, मैं इसके अंदर मेडिसिन लगा रखी है ताकि कोई स्मेल ना आए, किसी को पता ना लगे। काम तो यहाँ पहले भी हो रहा होगा लेकिन आज किसी ने जैसे देख लिया तो पता लग गया। और सारे पुलिस प्रशासन भी यहाँ काफ़ी टाइम से आया हुआ है, पहले भी एक गाड़ी आई थी और अब भी साहब आए हैं, तो देखो पुलिस कार्रवाई तो लगी रही है। अब पुलिस ने सैंपल ले लिया है, इसको सैंपल को भेजेंगे जैसे ही, और सुबह जैसे जेसीबी मंगा के इसको जैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो तभी मेन तो ये है कि सैंपल होने के बाद पता लगेगा जी। अब हम इस टाइम तो ये बता नहीं सकते है क्या, ये तो शक है कि हमें कि गाय का हो सकता है। कितनी मात्रा में है सर? कितना ये लगभग मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से 1 टन के लगभग है ये जो गो मांस है, जिस भी चीज़ का है। लेकिन हमारा शक है कि ये गाय का है, क्योंकि गाय के लिए ही लोग ये ऐसी प्रक्रिया करते हैं, छुपाते हैं, उठाते हैं। बाकी तो सरकारी जिसका है वो तो कोई रुक ऐसी हरकत करेगा नहीं, क्योंकि गाय मांस के ऊपर पाबंदी है, तो गाय मांस के लिए लोग ऐसे घटिया काम करते हैं।